बहुत ही सुहाना हुआ है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम बना हुआ है और हमारे प्लांट भी बारिश में बहुत ही अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि पांच ऐसे कौन से प्लांट हैं जो अपने गार्डन में हम रख सकते हैं और अपने गार्डन में अगर धूप भी नहीं आती है तो इंडोर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पांच फाइव प्लांट्स ऐसे कौन कौन से हैं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। पहले एक नज़ारा मैं अपने घर के शेर को दिखाती हूँ और ये देखिए, ये है मेरे यहाँ का नारियल का प्लांट जो बहुत ही अच्छे से हमारे गार्डन में है और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। इसका एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी किस तरह मैंने इसको अपने घर के अंदर रखा हुआ है। और मैं थोड़ा दूर हट के आपको दिखाती हूँ और देखिए थोड़ा सा नारियल भी मेरे गार्डन में मेरे घर में हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं फल लिए हुए हैं और एक सीजन में बहुत ही अच्छा मुझे फ्रूटिंग दे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन से ऐसे फाइव प्लांट्स हैं। पहला प्लांट जो है पोथोस, पोथोस यानी मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, इसको कम धूप में भी रखा जा सकता है और बाहर भी रखा जा सकता है और ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो पोथोस को आप अपने गार्डन में ऐड करिए और इस सीज़न में बहुत ही अच्छे से ये चल जाते हैं और आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में ये है और इसको इंडोर भी डाल सकते हैं। आइए दूसरा प्लांट जो है, दूसरा प्लांट जो है वो जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसके को ज़्यादा वाटरिंग भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही कम पानी में भी ये चल जाता है। तो मेरा दूसरा प्लांट जो है जीजी, जीजी को बहुत ही कम मेंटेनेंस में आप अपने इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा प्लांट हमारा हो गया। जीजी की भी वेराइटीज़ बहुत होती हैं, ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन जीजी है, ये कर्ल जीजी है और ये देखिए ब्लैक जीजी मेरे पास भी है। तो दूसरा प्लांट हमारा जीजी हो गया। तीसरा प्लांट है हमारा फिलोडेंड्रोम। फिलोडेंड्रोम हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे भी आप इंडोर रख सकते हैं। तो फिलोडेंड्रोम में कई वेराइटीज़ आती हैं तो आप इसको भी रख सकते हैं इंडोर में भी और इसको बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही कम और छोटे पॉट में भी आप इसको रिपोर्ट करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसको इंडोर प्लांट कर सकते हैं। ये तीसरा प्लांट मेरा फिलोडेंड्रोम हो गया। फिलोडेंड्रोम की दो तीन वेराइटीज़ आती हैं, जो ये बड़ी पत्ती की है और छोटी पत्ती की भी फिलोडेंड्रोम वेराइटीज़ होती हैं। और चौथा प्लांट हमारा जो है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा की कई वेराइटीज़ होती हैं और आप ये देखिए बहुत से कलर कलर में आते हैं एग्लोनीमा। और चौथा प्लांट हमारा एग्लोनीमा है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस में कम पानी में आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है और नॉर्मल आप इसको अपने केयर में रख सकते हैं। एग्लोनीमा की बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं, आप देख सकते हैं एक एग्लोनीमा मेरे पास इधर है जो पिंक एग्लोनीमा है और इधर एक वाइट एग्लोनीमा जो डार्क पिच कलर में है, उसको आप अपने गार्डन में ऐड करके आप इसको रख सकते हैं। और पांचवा प्लांट है हमारा रबड़ प्लांट और ये देखिए बहुत ही वेरीगेटेड रबड़ प्लांट है और आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस थोड़ा सा इसको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, जो इसकी लीव्स को हमेशा साफ़ करते रहिए ताकि इसमें चमक बनी रहे और इसको अपना ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो और इसको आप इंडोर रख सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।